हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्टी बाइट्स। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार स्टार्टर की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बना रहे हैं सोया सीख कबाब। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी रेसिपी को शेयर एंड लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। तो सोया सीख कबाब बनाने के लिए मैंने एक कप ये सोया नगेट्स लिए हैं। इसको मैं बॉइल्ड वाटर में डाल रही हूँ और जब तक इसमें अच्छे से झाग नहीं आ जाते हैं, इसको हम बहुत से बॉईल करना है मीडियम फ्लेम पर। और झाग आ जाएंगे उसके बाद हम इसकी गैस बंद कर देंगे। तो देखिए इसमें झाग आ गए हैं, लेकिन अभी इनको अच्छे से बॉईल करना है। तो इसको हम 7 से 8 मिनट मीडियम फ्लेम पर एक बार बॉईल होने देंगे। तो गैस मैं बंद कर देती हूँ और ये हमारे सोया नगेट्स बॉईल हो गए हैं। अब मैं इसको छान लूँगी और इसको वापस से एक बार अच्छे पानी से वॉश करूँगी और उसके बाद इसको अच्छे से निचोड़ लूँगी। तो मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया। मैं इस पर थोड़ा सा अच्छा पानी डालूँगी और अब हम इसको अच्छे से स्क्वीज़ कर लेंगे थोड़ा ठंडा होने के बाद। तो देखिए मैंने इनको बहुत अच्छे से स्क्वीज़ कर लिया है और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो इसको मैं जार में डालूँगी। तो जार में मैंने डाल दिया और अब इसको मैं अच्छे से पीस लेती हूँ। तो सोया नगेट्स हमने पीस लिए हैं। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 अनियन फाइनली चॉप्ड, ये मैं बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटोज़ ऐड कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून ये बेसन है, ये मैंने भून के लिया है, रोस्टेड बेसन। सॉल्ट टू टेस्ट। 1 टीस्पून चाट मसाला। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। चॉप्ड ग्रीन चिलीज। 1 टीस्पून गरम मसाला। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। 1 टीस्पून जीरा पाउडर और काफ़ी सारा हम इसमें कोरिएंडर डालेंगे, चॉप्ड कोरिएंडर। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और मैं इसमें से अब थोड़ा सा पोर्शन लूँगी इस तरीके से और इसको ऐसे फ्लैट कर लेंगे। और ये एक स्टिक ले रही हूँ मैं, इसको इसमें करके इस तरीके से और इसको ऐसे फ्लैट कर लेंगे, क्योंकि हम इसको शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम सारे सीख कबाब तैयार कर लेंगे। तो मैंने इस तरीके से सीख कबाब तैयार कर लिए हैं और वहाँ गैस पे मैंने एक तवा रखा है, फ्लेम हमारी ऑन है। इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। और इस पे हम एक एक और फ्लेम को हम एकदम लो टू मीडियम रखेंगे, क्योंकि ये हमको एकदम गोल्डन ब्राउन करने हैं। अगर हम तेज़ कर देंगे फ्लेम को तो ये अंदर से भी नहीं सिकेंगे। तो एकदम लो गैस पर हमको इसको कुक करना है। इस तरीके से इसको पलट पलट के हम सेकते रहेंगे। तो देखिए एक साइड से थोड़े थोड़े सिक गए हैं, मैंने इनको फ्लिप कर दिया है। दूसरी साइड से भी हम इसको अच्छे से सिकने देंगे। बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करना है हमको इसको। तो तैयार है हमारे सीख कबाब और ये दोनों साइड से बहुत अच्छे से देखिए सीख गए हैं। तो मैं इनको प्लेट करती हूँ। तो इसको मैंने प्लेट कर दिया है और इस पर हम थोड़ा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। ये चाट मसाले से बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और इसको आप ग्रीन चटनी के साथ सर्व कीजिए। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ जो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।